माता जी।
त्वमेव साक्षात् श्रीकल्कि साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्कि साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ नमस्ते गणपतये, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं, ऋतं वच्मि, सत्यं वच्मि, अवत्त्वं माम् अववक्तारम्, अवश्रोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानूचानमवशिष्यम्, अवपश्चात्तात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरात्तात्, अवदक्षिणात्तात्, अवचोर्वात्तात्, अवाधरात्तात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वं आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति, त्वं भूमिरापो नलो नीलो नवः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्। त्वं ब्रह्मा, त्वं विष्णु, त्वं रुद्र, त्वं इन्द्र, त्वं अग्नि, त्वं वायु, त्वं सूर्य, त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेश विद्या गणकर्षिः निच्छृद्गायत्री छन्दः
गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। वीग्रदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदौ हस्तै बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम्। आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतिः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनावरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करै सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करै हनुमान। हनुमंत संत हितकारी सुनिली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महा सुख दी जय। जैसे कूद सिंधु मही पारा सुरसा बदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुर लोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा सीता ने रखी परम पद लीन्हा बाजु जारी सिंधु मह बोरा अति आतुर जम का तर तोरा अजय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेटी लंक को जारा लाह समान लंक जर गई जय जय धुन सुर पुर मह भाई। अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करम पुर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होए दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भट नागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैर ही मारु बज की कीले गदा बज्र लय बैर ही मारो महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो। ओम हिं 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु अरि उर शीसा। सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा। जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा अनुपवन मग गिर गृह माही तुम्हारे बल हम डरपत नाही। पाए परो कर जोरी मनावो यही अवसर अब कही कोहरामो। जय अंजन कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता बदन कराल काल कुल भालक राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाचिन शाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हे मार दो शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो ताकी शपथ विलंब न लावो। जय 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 धुनि होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा। चरण शरण करि जोरी मनावो यही अवसर अब कही दोहराओ। उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों कर जोरी मनाई। ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संत सामि पराने खल दल। अपने जन को तुरतो बारो सुमिरत होय आनंद हमारो। बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे। रूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम प्र
अति तिहि कपी भजै सदा हरै उर ध्यान देहि के कारज सकल सुभ सिद्ध करै हनुमान सिद्ध करै शत्रुमर्दिनी नमः ॐ श्री अंबिका देवी नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ तारकासुर संहन्त्री नमः ॐ शुंभ शुंभ संहन्त्री नमः ॐ श्री दुर्गा माता जगदम्बा नमः ॐ श्री रक्षाकरी नमः ॐ राक्षसघ्नी नमः ॐ श्री चामुंडा नमः ॐ मधुकेतभहन्त्री नमः ॐ नरकांतका नमः ॐ भंडासुरमर्दिनी नमः ॐ श्री शिर्डी साईनाथ नमः ॐ श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः ॐ श्री कार्तिकेय नमः ॐ सर्वासुरमर्दिनी नमः ॐ सर्वबाधाविनाशिनी नमः ॐ सर्वसत्यगुरुमर्दिनी नमः ॐ सर्वभयहारिणीरुद्ररूपा नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tad Nishkala. Mano Buddhyahankara Chitta Ninaham Nata Shrotra Jitve Nata Ghana च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवो हम शिवो हम चिदानंद शिवोहं शिवोहं न च प्राणसंयो न वै पञ्चवायु न चोपस्तपायु चिदानन्दरूप शिवोहं शिवोहं चिदानन्दरूप शिवोहं शिवोहं न मे द्वे
शरागो न मे what you are. You are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams, that's a very good way of remembering what you are. May God bless you. Jai Shri Mataji everyone. Shri Mataji ke asim anukampa me. इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में जहाँ शिवरात्रि जहाँ शिव जी ने समुद्र मंथन में से निकला हो सारा गरल पी लिया पहुंचने ही वाले हैं
शिव हमारे भीतर सदाशिव के प्रतिबिंब के रूप में हमारे बाएं हृदय में विराजते हैं। हमारी आत्मा ही श्री सदाशिव का परमात्मा का प्रतिबिंब है। जैसे ही हम अपनी आत्मा को पहचानते हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के बारे में के अगेंस्ट निरंतर हमें चेतावनी देती रहती, क्या गलत क्या सही। जैसे ही हम इसे पहचानते, हम परमात्मा को पहचानते, क्योंकि आत्मा परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। श्री सदाशिव क्या है? सृष्टि के निर्माण से पूर्व जब चारों सिर्फ और सिर्फ मात्र ब्रह्म चैतन्य था, और जब ये ब्रह्म चैतन्य एकत्रित हुआ एक प्रकाश, ब्रह्म चैतन्य सुदृढ़ रूप में, तब उन्होंने इच्छा की अपने पुत्र की, अपने संतान की, और उन्होंने अपनी शक्ति अपने से पृथक किया ताकि वो सृष्टि का निर्माण कर सके। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी। शिव की इस शक्ति ने, आदि शक्ति ने परिक्रमा आरंभ की। श्री सदाशिव के चारों ओर वलय के रूप में जैसे जैसे आदि शक्ति की एक परिक्रमा पूर्ण होती, एक यूनिवर्स तैयार हो जाता। न जाने कितने यूनिवर्सेस बने और कितने नष्ट हुए। हम भी एक ऐसे यूनिवर्स में रहते जिसका निर्माण आदि शक्ति ने किया आदि कुंडलिनी के माध्यम से। आइए आज के इस ध्यान में श्री माता जी की अमृतवाणी में इस विषय पे थोड़ा जाने और जाने कि कैसे शिव और शक्ति हमारे रक्षण के लिए राक्षसों का नाश करते, गरल का पान करते, ताकि हम स्वच्छ बने रहें, हमारा रक्षण हो सके। आप सभी का आज के सामूहिक ध्यान में हार्दिक अभिनंदन। आप सभी संतों को मेरा सादर नमन। श्री माता जी के हर शब्द को हम अपने अंदर उतार सके, घटित हो शब्द, इसलिए सबसे पहले चित्त को आत्मा में लीन करेंगे। हर जगह से चित्त हटा लेंगे और बाएं हृदय में रख देंगे।
आत्मा के साथ, शिव के साथ। कि महाशिवरात्रि के दिन हम लोग सब साथ शिव की स्तुति गा रहे हैं। शिव यानी सदाशिव, इन्हीं से सृष्टि शुरू हुई है और इन्हीं में खत्म होती है। सबसे पहले अगर आप ब्रह्म को समझें तो ब्रह्म से शक्ति और शिव जैसे कि एक सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस होता है, उसी की तरह शिव और शक्ति सबसे पहले ब्रह्म में स्थापित होते हैं। सृष्टि कैसी हुई, किस प्रकार ये घटना घटित हुई, किस प्रकार ब्रह्म शिव और शक्ति के रूप में प्रकट हुए, ये सारी बातें मैं आपको शनिवार और रविवार में बताऊंगी। लेकिन शिव से निकलती हुई शक्ति जब एक पाराबोली में घूमती है, जब एक प्रदक्षिणा लेती है, तो एक एक विश्व तैयार होते हैं। ऐसी अनेक प्रदक्षिणाएं शक्ति की होती रही, इसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। अनेक विश्व तैयार होते रहे, अनेक भुवन तैयार होते रहे और मिटते भी रहे। शिव से शक्ति हट करके विश्व बनाती है। शिव सिर्फ साक्षी स्वरूप रहते हैं, वे खेल देखते रहते हैं शक्ति का। शक्ति का अगर खेल उनकी समझ में ना आए तो वो जब चाहें तब अपनी शक्ति अपने अंदर खींच ले सकते हैं, सारा ही खेल बंद हो जाता है। वे ही दृष्टा है, वही देखने वाले हैं, वही इस खेल के आनंद को उठाने वाले, उन्हीं के कारण सारा खेल है। इसलिए अगर वो न रहे तो सारा खेल खत्म हो जाता है। वो स्थिति है, उन्हीं के कारण एग्जिस्टेंस होता है। मनुष्य के हृदय के कारण ही वो जीवित माना जाता है। इस वक्त उसका हृदय बंद हो जाता है तो उसे मृत माना जाता है। जब शिव अपनी आंखें बंद कर लेते हैं तो उसे संहारक कहा जाता है, वही स्थित होते हैं और वही लय हो जाती है।
क्योंकि वो स्थित हो सकते हैं, वो लय भी हो सकते हैं। इस कुंडलिनी शास्त्र में शिव का स्थान आपसे मैंने बताया था, हृदय में मनुष्य के अंदर एक दीप ज्योति की तरह हर समय जलते रहता है, जिसके कारण हमारे अंदर सत असत विवेक बुद्धि जागृत रहती है, जो हमें मना करती रहती है कि ये नहीं करो, ये गलत है, ये अधर्म है, ये बुरी बात है। ये कपट है, ये लोभ है, ये मद है, ये मत्सर है, ये अधर्म है, ये मनुष्य की प्रतिष्ठा से गिरा हुआ काम है, ये शोभनीय नहीं है। लेकिन मनुष्य में जो स्वतंत्रता है उसे वो पूरी तरह से उपयोग में लाता है और शिव की अवहेलना करता है। शिव सारे संसार का गरल पी लेते हैं, जितना भी विष हमारे हृदय में बसा रहता है, दूसरों के प्रति घृणा हिंसा आदि अत्यंत बुरे विचारों से जो हमारा हृदय विषैल हो जाता है, उसको शिव हमारे अंदर जब जागृत होते हैं तो उसे पी लेते हैं। शिव का खाद्य ही, उनका पीना ही गरल है। जो कुछ भी नशेली चीजें हैं, मद्य आदि, जो चेतना के विरोध में नुकसान पहुंचाती हैं, उन्हें शिव प्राशन कर लेते हैं। संसार का जितना भी इस प्रकार का विष है उसे वो ग्रहण कर लेते हैं अपने अंदर, इसीलिए उनको महाशिवरात्रि के दिन हम लोग प्रतीक रूप में भंग आदि नशेली चीजें अर्पित करते हैं। इसका अर्थ मनुष्य ये लगा लेता है कि अगर शिव भंग पीते तो हम भी पीते, अगर शिव शराब पीते हैं तो हम भी शराब पियेंगे। आप क्या शिव जी हैं? उनके पांव के धूल के बराबर भी आप हैं। जिन्होंने संसार का सारा गरल पी लिया उसके भी पीने वाले कोई चाहिए। देवी सारे भूतों को खा जाती है, रक्त बीज का जो रक्त संसार में गिरता था उसके एक एक बूंद को देवी चाट दे, क्या आप लोग इसे चाट सकते हैं? आप लोगों का क्या उनसे मुकाबला है जो आप शिव जैसे भंग पीने निकले? शिव चाहे दुनिया भर की भंग पी ले उन पे करती। शिव एक दैवी संपदा अवतरण है। अवतरण हम समझते नहीं चीज क्या होती, उसका लोहा ही दूसरा होता है, उसकी व्यवस्था दूसरी होती है। क्या आप उस तरह से बने हुए हैं? क्या आप उस कार्य के लिए बने हुए हैं कि दुनिया भर का आप जहर पी लें? बहुत से लोग ये कहते हैं कि मां हमारे कुछ शराब चढ़ती नहीं, इससे बढ़कर और कोई भी झूठ नहीं हो सकता। कुछ बड़े बड़े गुरु भी जैसे कि साईनाथ शिरडी के, वो भी एक अवतरण थे, वे चिलम पीते थे। तो आप सब लोग चिलम पीने लग गए कि आप साईनाथ हैं? वे तो इसलिए पीते थे कि आपके हाथ कोई चिलम ही ना लगे, सबकी चिलम ही पी डाले एकदम। उसके पास भी नहीं जाना चाहिए, उससे दूर भागना चाहिए। और इस कदर व्यभिचार,
शिव और व्यभिचार जो संपूर्ण ब्रह्म स्वरूप है उसका नाम लेकर इतना महापाप करना, अपनी दुर्गति की पूर्ण व्यवस्था कर लेना। एक माँ के नाते मैं आपसे बताती हूँ किस तरह की गलत फहमी में कभी मत रहना। तंत्र का तरीका जो है बिल्कुल शैतानी तरीका है। आज महाशिवरात्रि के रोज मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताऊंगा। तंत्र की व्यवस्था ये होती है कि जो चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो चीज देवी को पसंद नहीं है वही कर, देवी के सामने ही गलत गलत काम करना शुरू कर, व्यभिचार, सब तरह की विद्रूप बातें जिसे देवी देख करके घृणा से वहां से हट जाए। शुरू में तो देवी उन पे उपवास करती है, कूदते हैं, नाचते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, गर्मियां होती हैं, फोड़ी निकलती है बदन पे। इसको कुंडलिनी जागृति भी बहुत से लोग कहते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आए ट्रीटमेंट के लिए जो कहते हैं कि हमारे अंदर ऐसे लग रहा है जैसे हजारों बरैया काट रहे हैं, हमारी कुंडलिनी जागृत। और भी ऐसे आते हैं जो बताते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक सब हमारे अंदर बड़े बड़े फफूंदे आ गए। यहाँ उषा इंस्टीट्यूट में एक डॉक्टर साहब है, उनका नाम मैं भूल गई, डॉक्टर पाल, वो मेरे पास आए थे, बता रहे थे कि उनकी कुंडलिनी किसी ने जागृत की और उनके बदन में हजारों बिच्छू को काट रहे और बेचारे कूदते हुए खड़े रहे, माँ मेरे पास, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। मैं उनकी कुंडलिनी उतारे थे, मैंने कहा आदमी बेटे जरा सबको दे, एक मिनट के अंदर उनकी कुंडलिनी मैंने शांत कर दी। कुंडलिनी नहीं, श्री गणेश जो कि शिव जी के पुत्र हैं, जो शक्ति के पुत्र हैं, उनका गुस्सा था। मैंने जब उनसे पूछा तो मैं समझ, इस इंसान ने उनकी कुंडलिनी जागृत की थी, उसका वो नाम उन्होंने मुझे बताया, वो किसी को बताते भी नहीं है, डर के मारे, घबराहट के मारे, कुंडलिनी के नाम से वो घबराते हैं बेचारे। ये उनकी हालत कर दी और उनसे कहा कि तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो गई, सारे बदन में ऐसा समझ लीजिए श्री गणेश, क्योंकि वे मुझे जानते हैं। ऐसे तांत्रिकों से बहुत बच के रहने की जरूरत है, देवियों के सामने जाकर के खजुराहो में आप जा, जैसी देवी की बात उन्होंने कही, उन्होंने सोचा कि हाँ अब मां का राज्य आने वाला है, चलो इसके पीछे लग जाओ। उस वक्त के राजा लोग बहुत ही गिरे हुए, बहुत ही बुरे नजर से देवी की ओर देखते। जैन लोगों में खाने के मामले में तो पट्टे बांध के घूमते हैं मुंह पर, औरत के मामले में कोई झगड़ा नहीं, मुंह पे पट्टे बांध के घूमने से सोचते हो गया खाना कर दिया, ये तो सभी के एक एक ढंग होते हैं। उन्होंने ये प्रथा चलाई कि छोटे छोटे लड़के लड़कियों को भी वो आश्रमों में भेजते, जैसे कि पोप करते। उस वजह से इस कदर अनैतिकता बढ़ गई, जबरदस्ती की बात, यहां तक कि ब्राह्मणों ने भी यह बात उठाई कि विवाह के पश्चात भी मनुष्य को बिल्कुल संयमित रहना चाहिए और ब्रह्मचर्य में रहना चाहिए, बिल्कुल अननेचुरल सी बातें। उसके जो दबाव से खजुराहो जैसी गंदी चीजें तैयार हो, हालांकि करते रहते तो पानी तो ऊपर से चाहिए नहीं तो चलेगा नहीं, और बाकी ये छोटी छोटी लंबी लंबी पतली पतली कहीं कहीं उन्होंने लगा दी राजा को खुश करने के लिए। पास ही में ऐसे भी मंदिर हैं जहां पर ये वाममार्गी जाकर के और देवी को असंतोष में डालते, मदिरा पीते, शराब पीते हैं और व्यभिचार करते। हम गाय आपको कोई वाइब्रेशन नहीं आने वाला,
हट जाता था, चित्त ही हट गया, क्योंकि व्यभिचार और गंदगी के पास देवी क्यों रहने चाहिए। वैसी जगह शिव जी बैठते हैं काफी देर और तड़ाके भी भर देते हैं, वहां पर भैरवनाथ भी वहां जमे थे, उनके तड़ाके के बगैर लोग ठीक नहीं होते, पहले खूब तड़ाके खाते, बड़ी हालत खराब होती है उनकी, पर तो भी बेशरम जैसे लगे ही रहते, वही से तपस्या कहते हैं, बीमार पड़ते हैं, आफतें होती हैं, उल्टियां होती हैं, खून गिरता है, सब होता है, बदन में आग हो जाती, पर तो भी जमे रहते, फिर शिवजी भी वहां से लुप्त हो जाते, फिर अपना मार्ग अड्डा जमाया, चरस भांग घोल करके और गजेड़ियों की वहां महफिल बैठती है, रात में व्यभिचार होते और उसके बाद सब स्पिरिट्स बुलाए जाते और उन स्पिरिट्स को हाथ में लेकर के फिर उसी से सब ये जो धंधे जो मैंने कल आपको बताए थे वो किए जाते। चक्की ही दे दो तो उन्होंने उसको भी दे दिया, इतना भोलापन, निष्पाप, जिनको कि पाप ही क्या है नहीं मालूम, पाप को भी खा जाए, सबके सब चीज खा जाए, लाओ जो कुछ खाना है खा जाए, जैसे गंगा में सारे पाप डूबते हैं कहते हैं, सो आप समझ सकते हैं कि गंगा में इसलिए पाप धुलते हैं कि शिवजी के जटा से उतर आई, इसी जिनके जटा को छूने से ही इतने पाप धुलते हैं, जो स्वयं साक्षात जो होंगे सो क्या होंगे सो बता दी, जिनका साक्षात करने से ही सारे जिसके पाप धुल जाते हैं, जिनको याद करने से ही सबके जो इतने भी भव सागर के जितने भी लगे हुए पशु पक्षी के तरह से चिपके हुए जो कुछ भी गंध मैल आदि जीवित और निर्जीव जो कुछ भी हो, सारी बाधाएं जिसकी खत्म हो जाती है, ऐसे शिव जी के लिए लोग ये कहते हैं कि व्यभिचार से शिव जी खुश होते, ऐसे संसार में क्या बात की जाए। अपने चित्त को पूर्ण रूप से शिव में कर ले, आत्मा चित्त में पूरी तरह से लीन कर ले, बाएं हृदय के अंदर धीरे धीरे आत्मा के गुणों से भरपूर चित्त निर्लिप्त प्रकाशित चित्त अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर लाएंगे, सुषुम्ना नाड़ी में, विष्णु मार्ग में, मूलाधार चक्र में स्थित करेंगे चित्त को। श्री गणेश से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु श्री गणेश, आप ही की कृपा से मां कुंडलिनी जागृत होती है, आप ही मेरे हर चक्र पे विराजते हैं, आप ही सृष्टि के आदि और अंत हैं, आप गौरी नंदन है, माँ कुंडलिनी के पुत्र है, शिव के पुत्र है, हमें आशीर्वादित कीजिए कुंडलिनी जागरण के लिए, हमें आशीर्वादित कीजिए माँ कुंडलिनी हमारी आत्मा को प्रकाशित कर दें, हमें आशीर्वादित कीजिए, श्री सदाशिव से योग संभव हो,
कृपा कीजिए प्रभु, आप सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, आप ही चैतन्य स्वरूप हैं। श्री गणेश की वंदना करके श्री गणेश को महसूस करेंगे हर चक्र में। नमन करेंगे, आशीर्वादित होंगे, चित्त को उठाएंगे रीढ़ की हड्डी के अंदर अंदर, सुषुम्ना के अंदर अंदर, स्वाधिष्ठान पे हर चक्र को महसूस करते चलेंगे। मां कुंडलिनी के साथ चित्त को जोड़ लेंगे, स्वाधिष्ठान नाभि श्री विष्णु श्री लक्ष्मी महसूस करेंगे इनकी उपस्थिति, पूरा चित्त अपनी रीढ़ की हड्डी के अंदर 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 अंदर, नाभि चक्र चित्त को उठाएंगे मध्य हृदय में, मां जगदम्बा को महसूस करेंगे, बाएं हृदय में शिव पार्वती को महसूस करेंगे, चित्त को उठाएंगे बाएं विशुद्धि से, वेगस नाड़ी से होते हुए आज्ञा चक्र से होते हुए ब्रह्मरंध्र में आएंगे, पूरे मस्तिष्क में आत्मा का प्रकाश महसूस करेंगे, ब्रह्म रंग से खिलता हुआ कमल, उस पे बैठी श्री माता जी, नमन करेंगे मां को। हे परमेश्वरी, हमारा योग श्री सदाशिव से करा दीजिए, आपकी कृपा से मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, परमात्मा से मेरा योग करा दीजिए माँ, मेरे चित्त को हल्का कर दीजिए माँ, सब सांसारिक और आध्यात्मिक समस्याएं छोड़ देंगे, कुछ लेना देना नहीं हमारा उनसे, परमेश्वरी के श्री चरणों में चित्त को उठाएंगे, अर्धबिंदु चक्र में महसूस करेंगे इसे, बिंदु चक्र पे हर चक्र को महसूस करेंगे, वलय चक्र और भी अनेक छोटे छोटे चक्र ऊपर 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 गुजरते हुए आकाश में चित्त को लाएंगे, आकाश से और ऊपर चित्त ले जाएंगे अंतरिक्ष में, ग्रह नक्षत्रों से होते हुए आकाश गंगाओं से होते और ऊपर चित्त ले जाएंगे शून्य सरोवर में, सब शून्य, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश सब शून्य, निर्वात क्षेत्र श्री सदाशिव विराजे हैं,
महसूस करेंगे श्री माता जी, श्री सदा शिव स्वरूप में, शिव शक्ति। और समाते चले जाएं, एक हो जाएंगे। एक हो जाएंगे। संपूर्ण योग घटित हो गया है। घटित हो गया। पूर्ण का कार्य था शिव शक्ति के भीतर एक है। हम समा गए। धीरे धीरे चित्त को बाहर लाने का प्रयास करेंगे, परिक्रमा करेंगे शिव शक्ति की। नमन करेंगे शिव शक्ति को, हमारे भीतर जागृत होने के लिए। अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे अंतरिक्ष में आएंगे, आकाश में आएंगे, और आकाश से पूरे विश्व में परम चैतन्य बरसने देंगे अपने चित्त से। विश्व का नक्शा चित्त में रखते हुए पेंटिंग कर देंगे चित्त से, हर जगह परम चैतन्य फैला देंगे। अमेरिका, नॉर्थ साउथ, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, सभी सागर, महासागर, पर्वत, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, सबको चैतन्य कर देंगे अपने चित्त से। धीरे धीरे अपने चित्त को अपने सहस्रार पे लाएंगे और महसूस करेंगे सहस्रार से फूटता हुआ फव्वारा चैतन्य का हर उस स्थान पे गिर रहा है जहां भी हमारा चित्त जा रहा है। जिस भी मनुष्य पे हमारा चित्त जा रहा है, पूरे परिवार भी
सहस्रार से फूटता हुआ फव्वारा परम चैतन्य का पूरे घर में फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है। पूरे परिवार के सदस्यों के सहस्त्रारों पे गिर रहा है। धीरे धीरे चित्त को फिर से समेटेंगे श्री माता जी के श्री चरणों में, सब अर्पित कर देंगे, सारा कार्य सारा ध्यान, मैं सब आपका है, मैं आपके हूँ, मेरा जीवन आपका है, मेरा सब कुछ आपका है श्री माता जी। आप ही करता, आप ही कर्मिता, आप ही करता, आप ही भोगता, सब छोड़ देंगे श्री माता जी के श्री चरणों। धीरे धीरे अपने चित्त को बाएं हृदय में उतारेंगे और आत्मा के साथ रख देंगे। जय श्री माता जी। आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय जय श्री माता जी। भी अद्भुत श्री ध्यान यात्रा, जय प्रकाश श्री माता परिवार, जी। सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी। थैंक यू श्री माता जी, जय श्री थैंक यू। माता प्यारी जी, प्यारी 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 अलका दीदी, बहुत गहराई, बहुत सुंदर। कुमारी माँ श्री माता जी, ये तो जय कुछ था ही नहीं बस। श्री वैष्णो माता माता जी, थैंक यू सो मच। जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, सभी को जय श्री जय माता जी। श्री माता जी, सभी भाई बहनों को, अलका दीप को, जय श्री माता जी, जय श्री माता जय श्री माता जी। अलका बेटा, सभी भाई बहनों को जय श्री माता जी। बहुत बहुत सुंदर ध्यान यात्रा, और ऐसा महसूस हो रहा था कि बिल्कुल चित्त लीन हो गया है, चैतन्य में कहीं कुछ डिफरेंस है ही नहीं, और इस समय ज्यादा कुछ है नहीं, कहने को शब्द ही नहीं है, क्योंकि जो यात्रा से लौटे हैं अभी उसी में रहना चाहते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू माँ, आपके इस प्यारे यंत्र को और आपको अनंत 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 कोटि नमन, की हम सभी भाई बहनों को इतनी सुंदर ध्यान यात्रा अलका के माध्यम से प्रदान कराई। थैंक यू माँ, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय जय श्री माता श्री जी, माता जी, जय श्री माता जी। श्री माता जी।